नमस्कार, मैं हूं रजनी भारद्वाज। आप देख रहे हैं नेक्स्ट माय लाइफ। इस वक्त अगर चर्चा का विषय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा है बॉलीवुड की बीटाउन में, तो वो है परिणीति चोपड़ा। दरअसल परिणीति चोपड़ा जो कि अपनी फिल्मों को लेकर तो अक्सर सुर्खियां बटोरती है, लेकिन इस वक्त वो सुर्खियां बटोर रही है अपनी सगाई के बाद से ही अपने मंगेतर राघव चड्ढा के साथ साथ अपनी शादी को लेकर। ऐसे में परिणीति चोपड़ा की जिंदगी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, और आज जो खबर आई है वो खबर कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर परिणीति चोपड़ा की बीमारी को लेकर है। दरअसल परिणीति चोपड़ा जो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जो अक्सर उनके साथ होता है। आपको बता दें कि परिणीति चोपड़ा को लेकर दरअसल एक खबर बहुत सालों पहले आई थी, जब परिणीति चोपड़ा ने एक वीडियो शेयर करके फैंस से सिर्फ माफी नहीं मांगी थी बल्कि अपनी बीमारी को लेकर खुलासा भी किया था। परिणीति चोपड़ा ने खुद इस बारे में कहा था कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें बुखार हो चुका है, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, और इसके पीछे की वजह ये है कि वो जब भी अक्सर लेट नाइट फ्लाइट पर जाती है, यानी कि फ्लाइट लेती है और फ्लाइट से अप डाउन करती है, आना जाना करती है, तो उनकी तबीयत अक्सर खराब हो जाती है, और इसी लेट नाइट फ्लाइट की वजह से उन्हें काफी तेज बुखार हो गया था जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। आपको बता दें कि अक्सर परिणीति चोपड़ा जब भी लेट नाइट फ्लाइट लेती हैं या फिर जब भी लेट नाइट सफर करती हैं तो अक्सर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो यह है पूरी खबर जहां पर अक्सर उनके साथ ऐसा होता है, और इसी बीमारी का खुलासा खुद परिणीति चोपड़ा ने किया। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, तब तक ले लीजिए इजाजत। शुक्रिया।